नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज जागरूक भारत। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। राजनीति में क्या करने वाले हैं पीके, पहले छेपुर वाइस अभियान से जुड़े अब फिर होने जा रहा कुछ बड़ा। प्रशांत किशोर जन स्वराज अभियान के तहत गांव में पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, टीम में डॉक्टर से लेकर इंजीनियर तक जुड़ रहे हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पदयात्रा कर रहे हैं, लगातार गांव में घूम घूम करके वे लोगों से संवाद कर रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत। आरजेडी बीजेपी जेडीयू सबकी पोल खोल रहे हैं। सियासी गलियारे में चर्चा भी है कि आखिर राजनीति में प्रशांत किशोर करने क्या वाले हैं। अभी हाल ही में पीके की टीम में 6 पूर्व आईएएस शामिल हुए हैं, अब फिर कुछ बड़ा होने जा रहा है। रविवार को पटना के जल स्वराज कार्यालय में बिहार के 12 रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी पीके के अभियान से जुड़कर संस्था ग्रहण करेंगे। प्रशांत किशोर के साथ जुड़ने वाले ये सभी वैसे 12 आईपीएस अधिकारी हैं जो नीतीश कुमार की सरकार में और लालू राबड़ी की सरकार में बड़े पर्दे पर काम कर चुके हैं। अब प्रशांत किशोर के अभियान में जुड़कर समाज सेवा करना चाहते हैं। इससे पहले 2 मई को 6 रिटायर्ड आईएएस अधिकारी जल स्वराज अभियान से जुड़े थे। ये सभी बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित थे जो बाद में प्रमोशन होकर आईएएस अधिकारी बने थे। पीके की टीम से जुड़ चुके हैं 3 विधान पार्षद। 6 रिटायर्ड अधिकारियों में जिलाधिकारी, विभाग के सचिव, कैबिनेट स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। प्रशांत किशोर के साथ अभी तक 3 विधान पार्षद भी जुड़ चुके हैं। 27 अप्रैल को एक निर्दलीय विधान पार्षद प्रशांत किशोर से जुड़े थे। इससे पहले सच्चिदानंद राय भी प्रशांत किशोर के साथ शुरू दौर से ही शामिल है। सारण के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जन स्वराज अभियान के समर्थन लेकर अफाक अहमद भी चुनाव जीतकर विधान पार्षद बन चुके हैं और खास लोगों के शामिल होने के संकेत। पीके की टीम में आईएएस, आईपीएस और विधान पार्षद की संस्था ग्रहण करने की खबर लगातार आ रही है, लेकिन प्रशांत किशोर कई बार कह चुके हैं कि यह एक औपचारिक मात्र है। जन स्वराज अभियान से बहुत पहले से कई आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर और कई तरह के प्रबुद्ध लोग काम कर रहे हैं। बहुत जल्द कई डॉक्टर इंजीनियर भी जन स्वराज से जुड़ेंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज जागरूक भारत।